हथियार फेंक दो वरना तुम्हारे सर उड़ा दूंगा। हीरा, अब तुम पुलिस के हाथों से बच नहीं सकते। पहले यह सोचो कि तुम हीरा के हाथों कैसे बचोगे। तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो सामने है। अगर अपनी जान बचाकर भाग सकते हो तो भागो। देख लिया बेटा, उनका क्या अंजाम होता है जो हीरा तक पहुंचना चाहते हैं, और उससे भी बुरा हशर उनका होता है जो हीरा की परंपरा तोड़ने की कोशिश करते हैं। पिताजी, इस जंग का फैसला तो अब वक्त ही करेगा। मैं भी देख लूं आपकी दौलत की जीत होती है या मेरी मोहब्बत की। हीरा का खेल हमें हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। ये तीनों लाशें उन काबिल पुलिस ऑफिसरों की हैं जो हीरा को तलाश करने के लिए गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन तीनों की मौत में हीरा का ही हाथ है। इंस्पेक्टर चौधरी, तुम पुलिस डिपार्टमेंट के एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हीरा का केस तुम्हें सुपुर्द किया जाए। सर, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि हीरा जैसे खतरनाक मुजरिम का केस जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया है आप मुझे सौंपे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। राय बहादुर, ये कपड़े उतार दो। पिताजी, गीता को ये कपड़े पहनने का पूरा हक है। रास्ते का हर पत्थर महल का हीरा नहीं बन सकता। पत्थर से ही हीरा बनता है पिताजी, और ये जरूरी नहीं कि वो पत्थर महल का हो। खामोश, होश में हो या नहीं, जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं जानता हूं पिताजी, और मैं होश में भी हूं। निकल जाओ यहां से। मैं समझूंगा मेरा बेटा, मेरे कुल को चलाने वाला, मेरी जायदाद का वारिस मर चुका है। निकल जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, तुम दोनों चले जाओ यहां से, चले जाओ। चलो अनिल। तुम सुनकर हैरान होगे कि अब तक मैंने तुम्हें अपनी जायदाद से अलग नहीं किया। हैरान होने की कोई बात नहीं है, मैं जानता था कि मेरा बेटा लौट आएगा। तुम्हें रुपया चाहिए ना, ये लो। शुक्रिया पिताजी। ठहरो दरबान। जी हुजूर। ये पैसा उस औरत को जाकर दे दो और कह दो कि हमने अपने बेटे की गलती की कीमत चुका दी है। राजा से जाते हुए देखा है और मुझे यकीन है कि वो हीरा है। हो सकता है वही। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है।
मेरा बेटा वादा करो इसे इसे ये कभी पता ना चले इसका बाप चोर था। हाँ गीता मैं चैन से मर सकूंगा, वादा करो गीता। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनिल, कुछ नहीं होगा गीता, वादा करो। तुम यहां क्यों आई हो? क्या काम है तुम्हें? तुम्हारे सवालों का एक ही जवाब है। बहू मेरी बातों सुन, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मरते वक्त अनिल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। कमीने, उसका असली खूनी तू है। नहीं बेटा नहीं, एक बाप अपने बेटे की जान कैसे ले सकता है? उसके बाद तू ही तो मेरी अपनी है। मैं उसे बहुत प्यार करता था बेटे, तू अपने बाप को मारेगी? झूठ, सब झूठ। तुम उसे अपने जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन सारा सर, क्या ये सच है कि टोनी और नताशा एक दूसरे को चाहते हैं? 100% सच है सर। एक दूसरे को मिलते हैं, सड़कों पर खुल्लम खुल्ला गाना गाते हैं, और सर आज रात को दोनों एक डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा ये दिल यहाँ जिसने है छीना, वैसे यहाँ कोई और कहीं ना। लवली शॉट फिर लवली शॉट फिर लवली। बादशाह अगर तुम ना होती तो ये कंपटीशन हम कभी जीत नहीं पाते। जेंटलमैन मैं फिर आप लोगों से दोहराता हूं, कोहिनूर की हिफाजत हमें जान की बाजी लगाकर करनी होगी, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। ये हीरा की इज्जत का सवाल है। पुलिस डिपार्टमेंट तो क्या, अगर स्कॉटलैंड यार्ड आ जाए तो भी हीरा लेकर मैं ही उड़ जाऊंगा। मिस्टर स्मिथ, This is the room from where we shall be monitoring everything. Mm-hmm. We shall now give you a demonstration of our security. One of our own men will try to crack it and steal the crown. आपका अपना आदमी? अपने आदमी। आपकी सुरक्षा के प्रबंध की परीक्षा करेगा? परीक्षा करेगा। हाँ, वास्तव में चोरी तो नहीं करेगा। Thank you.
पहले आओ। पहले आओ। पहले आओ। धन्यवाद। Indian security, Indian police security has reached such perfection that nothing can be stolen. No one can be killed. Shubh Ratri. Everything is out. And the... Ram! Mr. Smith! What? Oh, God! एक अरसा हो गया तहकीकात करते हुए, और आज तक यह नहीं पता चला कि हीरा किसी एक आदमी का नाम है या गिरोह का। आइडिया सर, सर एक आइडिया सर, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, उसी तरह हीरा हीरा को बाहर लाएगा। हमें सिर्फ करना यह है कि पुलिस के किसी काबिल ऑफिसर को हीरा बनाकर बाहर छोड़ दिया जाए। हमारी पुलिस के हीरे के पीछे असली हीरा बाहर आएगा और हम पुलिस वाले उस असली हीरे को दबोच लेंगे। Brilliant idea, चौधरी। हीरा की ट्रेनिंग देने के लिए टोनी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। सर, टोनी को इन दिनों मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है। क्या ताकत है, क्या फुर्ती है। सर, वो टॉप का डांसर है, हिरन की तरह उछलता कूदता है। और सर, इन दिनों से कुछ सोबत भी ऐसी लोगों से है। सर, टोनी को ट्रेनिंग देने से बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि किसी को ख्वाबो ख्याल में शक नहीं होगा कि हम पुलिस वाले टोनी को अपने फायदे के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। और दूसरा फायदा ये कि अगर उसकी मदद से हम हीरा को पकड़ने में कामयाब हुए तो आप होम डिपार्टमेंट से जरा सी सिफारिश करके उसे अपने डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा सकते हैं। सर, सबसे बड़ा फायदा ये कि हमारे चौधरी साहब का सपना पूरा हो जाएगा। वाह, जो काम मैं करने जा रहा था वो आप पुलिस वाले कर रहे हैं। पुलिस वाले असली हीरा को गिरफ्तार करने के लिए एक नकली हीरा तैयार कर रहे हैं, और वो नकली हीरा टोनी हीरा खानदान की परंपरा को कायम रखने वाला असली हीरा बनेगा। इंस्पेक्टर बलसारा, जेल से निकालकर पुलिस वाले के घर को ले आए, मेरी सजा तो खत्म हो चुकी है, और सबसे बड़ी सजा तो तुम्हारे उस हवलदार चौधरी ने दे दी। हवलदार नहीं, उसे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कहो। क्या टोनी, बच्चे हम चाहते हैं कि तुम हीरा बनकर हीरा को गिरफ्तार कर सको, और इस मिशन में कामयाबी के बाद तुम्हें दो चीजें हासिल होंगी, एक पुलिस की नौकरी और दूसरी मेरी बेटी। टोनी को उठाना कैसे मुमकिन हो सकता है? नामुमकिन को मुमकिन करना मेरा काम है। पुलिस का नकली हीरा आज रात को नीलामी में हीरा चोरी करने की कोशिश करेगा, मौका मिलते ही तुम उसे उठाकर ले जाओगे। पुलिस वाले अपने ही जाल में फंस जाएंगे, और इस बार जीत फिर हीरा की होगी। 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000 सोल्ड। और ये बेमिसाल हीरा जो 1840 में गोलकुंडा में मिला था, इसका वजन 500 कैरेट है, और इसे केवल देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं।
ये क्या हो रहा है? अरे चोर! धनी! टोनी, कैसा है तू? बाबा, तुम यहाँ? अरे क्या धांसे लग रहे हो बाप? अगर तुम मुझे जेल में नहीं मिले होते तो मैं ये समझता ये महल तुम्हारा ही है। ये मेरा ही घर है। तुम्हारा? लेकिन जेल में तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतने बड़े आदमी हो। बताने से फायदा भी क्या होता? जुर्म मुर्गी चुराने का हो या गला काटने का, कैदियों के लिबास में सारे मुजरिम एक ही जैसे दिखाई देते हैं। खैर, जख्म कैसा है तुम्हारा? वैसे निशान रह गया है। इस निशान को बहुत संभाल कर रखना। पुलिस की तरफ से हीरा बनने का तुम्हें यह पहला इनाम है। आपको कैसे मालूम कि मैं हीरा? मेरे अलावा इस सच्चाई को और कोई नहीं जानता टोनी। क्या मतलब? मैं हीरा हूं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो बाबा। तुम वही आनंदीलाल हो जो मुर्गी चुराने के अपराध में 3 महीने मेरे साथ जेल में रहे। तुझे अपने माँ बाप याद है? शक्ल याद है। सुबह उठकर पहले उनकी तस्वीर देखा करता हूं। आओ आओ मेरे साथ। ये तस्वीर यहां? ये कमरा अनिल का है। जानते हो वो ऑफिसर कौन है जिसने अनिल को मारा है? किसने अपनी वर्दी का फायदा उठाकर अनिल की जान ली है? जानते हो वो ऑफिसर है इंस्पेक्टर हरीश चंद्र चौधरी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो किसी का खून नहीं कर सकते। उसने तेरे बाप का ही नहीं तेरी मां का भी खून किया है। उनके अरमानों का खून किया, उनके सपनों का खून किया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे को प्यार करते थे। हाँ, और वो उनके प्यार से नफरत करता था। टोनी, तू बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया है, और तेरी गलतफहमी दूर करने के लिए आज मुझे बताना ही पड़ेगा कि तेरा बाप क्या था। ये एक ऐसा सच है जो तू आज भी नहीं सुन सकेगा। जो कुछ सुन चुका हूं उसके बाद सब कुछ सुन सकता हूं, तो सुन। लेकिन ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि तेरा बाप एक जलील चोर था जो मेरी मासूम बहन को वरगला कर मुझसे दूर ले गया, और एक दिन एक दुकान लूटते वक्त पुलिस की गोली का शिकार हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे गली के आवारा कुत्ते को गोली मार दी जाती है। आज तक मैंने तेरी हकीकत तुझे ना बताकर तुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था। झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। तुमने आज तक जो कुछ भी किया है अपने जुर्म से डर कर किया है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किया है। तुमने अपनी बहन की औलाद को नहीं पाला, उसकी मांग उजाड़ने का प्रायश्चित किया है। टोनी, मुझे बचपन में बता देना चाहिए था कि तू एक चोर का बेटा है, तो आज तुझे गाली देने की हिम्मत नहीं होती, बल्कि तुझे गाली सुनने की आदत पड़ चुकी होती, और तुझे कभी नहीं भूलता कि तेरा मेरा रिश्ता क्या है। खून का रिश्ता है चौधरी, मेरे बाप के खून का रिश्ता। टोनी, टोनी, तूने मुझ पर हाथ उठाया? शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा सिला दिया है तूने मेरे प्यार का। आज तूने बता दिया
कि तेरी रगों में किसी गंदे बाप का खून तर रहा है। टोनी, अब चला जाए यहां से, चला जाए से पहले कि मैं कुछ कर गुजरू, चला जाए यहां से। और हां कमिश्नर साहब, जाते जाते और एक बात कहकर जाता हूं, तुम मुझे हीरा बनाना चाहते थे ना, अब मैं हीरा बनकर दिखाऊंगा, अपने बाप का बदला जरूर लूंगा और ऐसे लूंगा कि जिसके नतीजे में तुम अपनी ही पिस्तौल से आत्महत्या करोगे। नहीं टोनी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिंदगी भर का प्यार और परवरिश पलक झपकते ही दुश्मनी में नहीं बदल जाता। चाहे कुछ भी हो, मैं ये कभी नहीं मान सकती कि चौधरी साहब तुम्हारा भला नहीं चाहते। अगर भला चाहते तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम सच मुझसे नहीं छुपाते। वो मेरे पिता थे जिनका खून हुआ था, वो मेरी माँ है जो पागल है, मेरा बदन है जो पुलिस वालों की गोली का निशाना बना। नहीं टोनी, नहीं टोनी, तुम्हें बहकाया गया है। वो गोली तुम पर नहीं, एक चोर पर चलाई गई। ठीक वैसे ही मेरे पिता पर गोली चलाई गई थी। मैं उस गोली का बदला लूंगा नताशा, मैं चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। मगर मच क्या सुबहकर इस मासूम को मेरे खिलाफ कर दिया, इसे मेरा जानी दुश्मन बना दिया। मगर अब मैं तुम्हारी कोई चाल नहीं चलने दूंगा, अब यह तुम्हारी शतरंज का मोहरा नहीं बनेगा। तुम यहां कैसे आए? तुम्हारे उन प्यादों ने यहां का रास्ता बताया, जिनकी मदद से तुमने टोनी की जिंदगी बर्बाद की, इस बेचारे को गुनाह के रास्ते पर ले गए। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूं टोनी, इस आदमी ने तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को अपने साथ लाया हूं जिनकी जबानी तुम इसकी असलियत जानोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूं। बलसारा। यस सर। यस सर। लांगड़ा कहां आ गए? चला भाई, बाहर कहां आते हो? इंस्पेक्टर साहब, चल रही हूं, चल रही हूं, चल रही हूं, चल रही हूं, चल रही हूं। असली है? अल्लाह, यही तुम्हारे वो दोस्त जिनसे हफ्ता हासिल करने के लिए तुम उसे रोज पूछा करते थे कि आज सुबह दौरे पर मैं कहां जा रहा हूं, और मुखबरी करने के लिए ने राय बहादुर से क्या मिलता था ये खुद बकेंगे। बोला बोला पीटर। सर स्पीक आउट। By God, अपन जो भी बकेगा सच बकेगा। ये राय बहादुर या जो भी उसका आगे नाम है, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हमको बोला था कि तुम टोनी को जितना भी पैसा देगा उसका डबल पैसा हम तुमको देगा, ये बोला था। ऐसा जी, देखो जी, जुए की लत हमको पैदाशी है, और फिर ऐसा मुनाफे वाला सौदा भला हम क्यों छोड़ते। कसम बल्ली मारान की, असली घूसखोरी तो यहीं से शुरू हो रही है। हाँ। हमें तो आम के आम मिल रहे थे, यानी पुलिस से बचाव, और घुसनियों के दाम यानी मुफ्त में दुगनिया तिगनी रकम मिल रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, बिल्कुल झूठ। सच बोलने से कतरा क्यों रहे हो तुम लोग? पुलिस की मार के डर से इनका साथ दे रहे हो, या जेल जाने से डर रहे हो तुम? नया अड्डा खुलवा दूंगा, धंधा बंद होने के डर से झूठ बोला मालामाल कर दूंगा। तो शक्ल से शरीफ आदमी लगते हो, तुम्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मुंह मांगी कीमत दूंगा, बताओ सच क्या है, बताओ। अब बगैर किसी डर के बताओ, तुम लोग सच बोल रहे हो या झूठ? एब्सोल्युटली लाइ सर, ये मिस्टर चौधरी हमको बोला था कि वो जैसा बोला वैसा हम नहीं बोलेगा तो लाइफ लॉन्ग अपना फैमिली का शक्ल नहीं देख सकेगा, इसलिए हम आए। कसम की नॉट प्लेस की, मैंने तो डर के मारे झूठ बोला था। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये दोनों
झूठ बोल रहे हैं। बलसारा पिस्टल रुक जाओ, होल्ड इट, रिवॉल्वर नीचे कर लो टोनी, वरना मेरी गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। मैक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैक नहीं, सीबीआई इंस्पेक्टर रंजीत कपूर। मैं शुरू से जानता था कि तुम ही असली हीरा हो, लेकिन आज तक इसलिए रुका था ताकि ये जान सकूं कि तुमने खजाना कहां छुपा रखा है और सही वक्त पर आकर तुम्हें गिरफ्तार कर लूं। एंड यू मिस्टर टोनी, तुम अभी बच्चे हो इसलिए किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हो, जबकि सच बात तो यह है कि डिप्टी कमिश्नर चौधरी से बढ़कर न इस दुनिया में तुम्हारा कोई हमदर्द है न चाहने वाला। और तुम जिसे अपना समझकर साथ दे रहे हो ना, ये मिस्टर राय बहादुर हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है। इसने सबसे पहले हमदर्दी हासिल करने के लिए इस घूसखोर जेलर की मदद ली। कम ऑन क्यू जेलर कम डिटेक्टिव। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपकी कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बचकानी है। सिर्फ गर्दन हिलाने से काम नहीं चलता। मैं जेलर साहब का मुंह खोल देता हूं, अगर ये कह दें कि जो भी सीबीआई इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं वो सच है तो मैं गुनाहगार हूं। ये झूठ है, सफेद झूठ। इन्होंने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था ये धमकी देकर कि रिटायर होने के बाद ये मेरी पेंशन रुकवा देंगे। झूठे, देखा देखा, ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच बोल रहा है। ये हराम ज़्यादा है। खबरदार, खामोश दोगले, तेरी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि तू इसके हाथ बिक चुका है। धोनी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि ये आदमी तुम्हारे मेरे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अपना हाथ मत रोको, तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है। ले लो इसकी जान, उतार दो सारी गोलियां इसके सीने में, उतार दो। तुम पछताओगे टोनी। रुक जाओ टोनी। नहीं टोनी, गोली हरगिज मत चलाना। तुम्हें और किसी की बात पर यकीन हो ना हो, पर तुम्हारी सगी माँ तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। माँ, तेरे पिताजी के कातिल मेरे भैया नहीं है लेकिन राय बहादुर है। उस आदमी ने पैसों की खातिर एक शरीफ इंसान को तरसा तरसा कर मुजरिम बना दिया। वो तो एक इंस्पेक्टर की गोली थी जो मुजरिम को लगी थी। तेरी खुशियों की खातिर अपनी सारी जिंदगी लुटा दी। भैया, भैया तो देवता है, देवता। गीता, मेरी बहन, ये क्या क्या हालत बना दी तेरी। तू कहाँ थी, कहाँ थी इतने दिन, कहाँ थी मेरी बहन? माय गॉड, हम जो पहले बोला था ना वही वही सच था। रुपए के लालच ने हमें अंधा बना दिया, इसलिए हमें ऐसा वही बख्तर है जो राय बहादुर साहब चाहते थे। कसम पहाड़गंज की, जब भी दोनों सच बोल रहे हैं तो मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा। बरखुरदार, मुझ पर गोली चलाने से पहले जरा एक नजर पीछे देख लो। पिस्तौल फेंक दो पिस्तौल। शाबाश पहलवान, तुमने तो उसी दिन मेरे नमक का हक अदा कर दिया था जब जेल में मेरे कहने पर तुमने टोनी की गर्दन तोड़ते तोड़ते छोड़ दी थी, और आज यहां पहुंचकर तुमने यह साबित कर दिया कि सचमुच तुम मेरे वफादार हो। तुम भी चुपचाप वही खड़े रहो राय बहादुर, मुझे नमक का नहीं दौलत का चस्का है। ये सारा का सारा माल मैं ले जाऊंगा, उठा लो सारा माल। पिस्तौल फेंक दो पहलवान। वेल डन बलसारा, वेरी वेल डन बलसारा। थैंक यू सर। पुलिस की हर खुफिया कार्रवाई की खबर आप ही हमें देते रहे। व्हाट, बलसारा? लाओ रिवॉल्वर मुझे दो। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है हीरा, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं चौधरी, हीरा का खेल तो अब
शुरू होगा। हीरा को पकड़ना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान था ना? हीरा तुम्हारे सामने खड़ा है, वहां क्यों खड़े हो? आगे आओ और मुझे पकड़ लो, अपना अरमान पूरा कर लो, फिर ये मौका कभी हाथ नहीं आएगा। आओ मुझे पकड़ लो। सीने से लग जा।